आप बताओ अब कितना पहुंचता है? 100 रुपए चलता है तो 100 ही उसको व्यक्ति लाभार्थी के खाते में जाएगा जो केंद्र से 100 रुपए। हर रोज दिल्ली के डेली चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कुछ लोग तो पैसे भी देके आ रहे हैं नगर निगम में। नहीं रह रही है कमी की, पूरी साफ सफाई नहीं हो रही और जो डेली ये आ रहे हैं कूड़े वाले आ रहे हैं उठाने, ये नहीं आ रहे डेली, इन्होंने परेशान कर रखा है। नगर निगम में अफसरशाही है, वो जनता की सुनते ही नहीं है। अर्थप्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को मेरा डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, प्रथम चरण शुरू हो चुका है। पहले हम आपको चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में लेकर गए थे, आज हम लेकर जा रहे हैं आपको हरियाणा के अंदर लोकसभा क्षेत्र के अंदर अम्बाला के अंदर। और अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के अंदर पंचकूला का बुडनपुर आता है गाँव, और हम यहाँ पर अर्थप्रकाश की चुनावी चौपाल के जरिए यहाँ के जो गाँव के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं और दूसरा यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हो गया है। हमारे बीच में सबसे पहले तरसेम जी। तरसेम नंबरदार बुडनपुर, नमस्कार जी भाई साहब, और आपका स्वागत है बुडनपुर में। हाँ, और आपको एक चीज बताते हैं, पिछले इलेक्शन में अपने लंबरदार जी ने मुद्दा उठाया था अर्थप्रकाश के लिए प्लेटफॉर्म पर कि यहाँ पर पार्क की दिशा बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, लेकिन ये मुद्दा अर्थप्रकाश के प्लेटफॉर्म से उठा और आज आप सब देख सकते हो कि ये पार्क कितना अच्छा बन चुका है। यहाँ पर झूले लग चुके हैं, झूले लग चुके हैं जी, बहुत सराहनीय कार्य किया है हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने और हमारे मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी ने। मैं इस पार्क को मेंटेन करने के लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अपने गाँव की तरफ से भी उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। अब ये बताइए कि आपके गाँव में 10 साल हो गए हैं गुप्ता जी को, तो आपके गांव में कौन सा एक बड़ा कार्य किया है इस सरकार में? बड़ा कार्य तो उनके द्वारा हमारी जो निचले गांव की थी, निचले बुडनपुर गांव की बहुत ही सीवरेज पानी की समस्या बदहाल थी, बहुत ही बुरा हाल था। जो सीवरेज का पानी था वो सड़कों के ऊपर से बहता था, मंदिर गुरुद्वारों की दीवारों के साथ टच होकर चलता था, पर उन्होंने इसको प्राथमिक तौर पर इसका निवारण करते हुए बहुत ही डेवलपमेंट का काम किया है। अच्छा ये बताइए, और उसके बीच में कोरोना महामारी बहुत बड़ी हुई थी, कोरोना के अंदर मैक्सिमम जो गरीब दबका था उसने सफ़र किया, उस समय सरकार की कार्यशैली से, आपकी पार्टी की कार्यशैली से आप किस तरह से संतुष्ट हो? क्या वो सारी फैसिलिटीज लोगों को मिली थी? और आपके सवाल के बाद हम लोगों से ही पूछेंगे कि वो मिली थी कि नहीं। देखिए, जहाँ तक कोरोना महामारी का सवाल है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सभी ने अपने अपने स्तर पर बखूबी तौर पर काम किया है, चाहे वो खाने से लेकर हो, दवाइयां बटने तक का कार्य हो, या किसी को प्राथमिक तौर पर मतलब कोई उपचार के लिए किसी को कोई भी ज़रूरत पड़ी हो, तो सरकार ने बखूबी अपने वादे निभाए हैं। चलो ये इन्होंने बताया सरकार की तरफ से, हम बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मैंने बोल सकता हाँ जी, मैंने बोलना नहीं, बोलना नहीं है ना? कुछ तो बोलो ना। ना अच्छा, ये कह रहे मैंने बोलना नहीं है। अब आप बुजुर्गो आप आइए, कौन सा कार्य नहीं हुआ और कौन सी दिक्कतें आपको आ रही हैं? आप दुकानदार भी हो यहाँ पर। कार्य तो तकरीबन सारे हुए जी, तकरीबन तो सारे ही हुए, बाकी अपना अपना सिस्टम होता रहे का जी। बीजेपी सरकार काम तो सारे बढ़िया करवा रही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी भी हैं वो भी तकरीबन सारे काम बढ़िया कराए हैं। जो ये अपना कोरोना काल आया था, महामारी थी, कोई हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई हमारे को, हमारे बुडनपुर वासियों को, या कोई जैसे हम दुकानदार थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप ये बताइए कि आपके जो MP थे पहले, रतनलाल कटारिया जी, जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, तो आप वो कितनी बार यहाँ पर आए ये बताइए? नहीं आए तो देखो जी, आए तो मेरे ख्याल से एक दो बार ही आए जी, एक दो बार ही आए जी। बाकी बात रही ना उनके आने ना जाने वाली, तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पार्टी ने बेखूबी अपना काम किया है। तो कौन सा एक काम आपकी दृष्टि से निष्पक्ष होकर बताइए कि कौन सा काम ऐसा है जिससे ना होने से आप सब सफर कर रहे हो? सबसे बड़ा काम तो ये हमारी पार्क है जी। पार्क तो करे बोछा बन गई। हाँ जी, सबसे नहीं, ये जो काम बढ़िया काम करा है, जो बढ़िया काम करा, जो हमारा सबसे जो मुद्दा था हमारा मेन, कि हमारे पास में दुकान है, हम इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था यहाँ पे। जब से पार्क बनी है हम लोगों को कहीं जाने जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे बच्चे सेक्टर 16 में जाते थे खेलने के लिए, वहाँ बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमें सारी फैसिलिटीज मिल रही है। तो इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट हुई है, इन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे सड़क बार बार कर देते हैं, तो इन दोनों मुद्दों को
आप कैसे देखते? सर ऐसा है, कांग्रेस ने 70 साल में जो काम किया है ना वो 10। आप कांग्रेस की बात छोड़िए, देखिए आप अपने मुद्दों पे बात करें, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करने आए हम। हम वो बातें करने आए कि जो वाकई आपके लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है कि नहीं, ठीक है ना। आप बताइए इस गांव के, इस गांव को देखते हुए बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं। ऐसा जी, मैं हूँ इंदिरा कॉलोनी से, इंदिरा कॉलोनी राजीव कॉलोनी से। इंदिरा कॉलोनी में जब से ही सरकार आई ना, 5 पुल लगे हैं, एक शौचालय बना नया, ठीक है जी, और टैले लगी हैं, गलियां बनी हैं, और पानी की सुविधा, और डिपो वाला इतना बुरा हाल था ना, लाइनों में लग के खोलते ही नहीं थे दो दो तीन दिन। जब से सरकार आई है ना 24 घंटे, 12 घंटे तो डिपो, डिपो 12 घंटे खुलते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है गरीबों को 5 किलो आटे भी मिल रही है कि नहीं, डिपो खोलने से कुछ नहीं होगा, वो स्कीमें मिल रही है कि नहीं? मिल रही है जी। हम लोगों से ही पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे। बिल्कुल जी, बाजरा भी मिल रहा है, कनक भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये नौजवान हमारे बीच में आ गए हैं, अब इन्होंने जो बातें की हैं हम इनसे वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे कि वाकई ये किस बातों में कितना सच्चाई है। हाँ जी, जो इन्होंने बात की है उस पर आप किस दृष्टि से देखते हो? बिल्कुल सहमत हैं जी, सरकार ने बहुत काम किए हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया चल रहा है सरकार का। तो आप ये बताइए, आपने इन्होंने कहा है कि शौचालय बने हैं, तो उस शौचालय की मेंटेनेंस भी हो रही है कि नहीं? सरकार तो मेंटेनेंस कर बना सकती है ना, उसकी रख रखाव के बारे में आप क्या कहो? मेंटेनेंस तो देखो हो तो रही है, पर उतनी थोड़ी कमी भी है, कहीं रह रही है कमी, कि पूरी साफ़ सफाई नहीं हो रही, और जो डेली ये आ रहे हैं कूड़े वाले आ रहे हैं उठाने, ये नहीं आ रहे डेली। अच्छा, इन्होंने परेशान कर रखा है। अच्छा, साफ़ सफाई की थोड़ी है तो दिक्कत तो है, पर बहुत बढ़िया सरकार तो काम कर, सरकार तो काम कर रही है। ऐसा है स्वास्तिक जी, केंद्र सरकार के जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने वादे किए, वो मुझे लगता है कोई ही व्यक्ति हो जो उससे अनजान हो, चाहे वो 370 को तोड़ने का काम हो, चाहे राम मंदिर बनाने तक का काम हो, मतलब जो वादे किए थे सरकार ने वो सभी निभाए हैं, और उससे सारी जनता संतुष्ट है। तो आपने केंद्र की बात की है, जो स्टेट गवर्नमेंट की कार्यशैली उस पर, उसको आप किस चीज़ देखते हो? रवि जी आपसे भी प्रश्न पूछूंगा इस बारे में। ऐसा है जी, स्टेट की कोई कमी नहीं है, स्टेट में भी देखो पहले जो कांग्रेस ही कहती थी कि केंद्र से 100 रुपये चलता है और नीचे 15 पैसे जो है नीचे जमीनी स्तर पर। आप बताओ अब कितना पहुंचता है? 100 रुपये चलता है तो 100 ही उसको व्यक्ति लाभार्थी के खाते में जाएगा जो केंद्र से 100 रुपये पूछेंगे लाभार्थियों से। पहले कह रहे हैं, फिर आपको इसी चुनाव पर लेकर आएंगे, 15 दिन बाद फिर आएंगे हम, फिर हमारे से लंबादार से होंगे, हम सर्वे भी करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि इन्होंने जो बातें की है वहाँ वो कहाँ तक सच्चाई है। और मैं कमी भी बता देता हूँ, अगर कहीं कमी रही, अब वैसे जनता के मन में, अंदर जनता के मन में बैठा हुआ है कि अब की बार 400 पार, मुझे लगता है कि कोई इसको कहीं, अगर कहीं की कमी थोड़ी बहुत रही तो पंचकूला नगर निगम की जरूर कमी रहेगी, क्योंकि नगर निगम ने लोगों को जो है परेशान करके रख दिया है, जो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर वो लोगों को चक्कर कटवा रहे हैं, जो 10-10 चक्कर कटते लोग काट रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आईडी उनकी ठीक थी, नाम भी ठीक थे, एरिया भी ठीक थे उसके अंदर प्रॉपर्टी के, उन्होंने लोगों को मतलब परेशान करने का काम किया हुआ है, जिसमें उनको हर रोज दिल्ली के डेली चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कुछ लोग तो पैसे भी देके आ रहे हैं नगर निगम में, पैसे देने के बावजूद भी वो। अब लंबा राज ने मुद्दा उठाया कि नगर निगम के कारण ही चुनाव में इफेक्ट पड़ सकता है, पड़ सकता है, और हमें एक बात समझ नहीं आ रही, नगर निगम क्या चीज है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो कार्यशैली है, चंडीगढ़ के लोग भी वहां पर दुखी है, इसी तरह से पंचकुला के लोग भी दुखी है, तो इस बात की पुष्टि करेंगे हमारे बीच में, इस जो इन्होंने बात की है वो कहां तक सच्चा है? रवि जी हमारे से बात, रवि जी बताइए कि इस बात जो उन्होंने की वो कहां तक सच्चाई है? इसके बारे में तो नहीं मैं कोई बात करूंगा जी, आपको अपने इंद्रायण साहब बताएंगे जी। बताइए, नगर निगम में अफसरशाही है, वो जनता की सुनते ही नहीं है। मेयर कुलभूषण जी ऑर्डर देते रहते हैं, लेकिन अफसरशाही है भी है नगर निगम के अंदर। अच्छा, आप बताइए क्या अफसरशाही है? हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए अफसरशाही है भी है जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो ठीक है जी, जो बंदा फेस करता है उसको तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप बताइए अफसरशाही है भी है? हाँ जी, हाँ जी, आप हमारे बीच में। हाँ, अफसरशाही, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप जी, हाँ जी, हाँ जी, सभी ने एक बात कही है कि अफसरशाही हावी है, सरकारें काम कर रही हैं, कोई भी सरकार आए लेकिन अफसरशाही हावी होती है, यानी यहाँ के लोगों का मेन जो गुस्सा नेताओं के प्रति नहीं है, नेताओं के प्रति नहीं है, लेकिन जो गुस्सा है अफसरशाही के प्रति है। तो हमारे बीच में आप एक नए सिरे जुड़ गए, राजू जी, राजू जी नमस्कार। नमस्कार जी, तो आपका क्या काम है यहाँ?
मेरी यहाँ किराने की दुकान है जी। अच्छा यहाँ पर? हाँ जी, पिन बुडनपुर गांव में। कितनी देर से रह रहे हो आप? 1986। तो 1986 से आप ये बताइए कि कौन सा काम है जो अभी तक नहीं हुआ? वैसे तो जी देखो, जो सरकार आई है जी पिछले 10 साल से, इन्होंने काम तो बहुत ज़्यादा किए हैं जी। आप अपना बताए ना। नहीं, काम हुए हैं जी पूरे बुडनपुर। अच्छा, आप कह रहे हो काम हुआ है। हाँ जी, पूरे काम हुए हैं। आप हमें ये बताइए कि कौन सा एक बड़ा काम हुआ है? काम तो सबसे बड़ी तो यहाँ तो पानी की समस्या थी जी, पर जो पार्क की समस्या थी, ये पार्क भी हल हुआ। और यहाँ पे बुडनपुर गांव में पानी की काफ़ी समस्या थी, और ट्यूबवेल भी नया लगा दिया। अच्छा। और टाइले सीवरेज वगैरह भी हुई है काम। अच्छा। बस थोड़ा सा है जी, इसको मेंटेन करने की जरूरत है। अच्छा। जैसे पार्क भी है। हाँ। इसको थोड़ा सा मेंटेन कर दें। अच्छा जी। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा पार्क, ये सबके लिए है। यहाँ पे सारे बड़े बच्चे बुजुर्ग सारे सैर करने के लिए आते हैं, ताजी हवा लेंगे। एक चौकीदार की यहाँ पे जरूरत है। अच्छा जी। इस पार्क बन गया है, इसको मेंटेन करना जरूरी है बस, मेन बात। अच्छा अच्छा, आप आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा। मैं आइए आइए, आप बोलने लगे हो, आप जोश आ गया आपके अंदर। देखिए देखिए सर, क्या होता है जब जनता के बीच में हम होते हैं, तो पहले ये कह रहे थे मुझे बोलना नहीं है, लेकिन लोगों को देखकर इनमें जोश आ गया है। अब बोलिए आप। बोलने लग रहे, मतलब पानी देने वाला चाहिए इसमें, माली माली जरूरी है। और क्या चाहिए? हैं, चौकीदार जरूरी है। अच्छा जी, तो अगर ये अगर कोई दो चौकीदार चाहिए, दो अगर हमारी दो बंदे चाहिए इसमें, तो अगर कोई एमसी पंचकुला का अफसर ये देख रहा है, तो इन लोगों की जो डिमांड है और इनको आप जल्दी पूरी कीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद इनको चक्कर ना लगाने पड़े। और राजू की कुछ बात रहेगी, राजू जी आइए। हम ये चाहते हैं ना जी, ये पार्क बड़ी मुश्किल से बना है, और इसको डेवलप होना चाहिए, और दो दो चौकीदार हों, ताकि सभी को किसी को दिक्कत ना हो। और रात में कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए, यहाँ पे पुलिस पीसीआर की गाड़ी घूमनी चाहिए। घूमती नहीं है वो, आपके साथ तो चौक आते हैं जी। अब जब से पिछले एक दो बार ना जी छीना छपटी की वारदातें हुई हैं यहाँ पे, एक थोड़ा सा नहीं गली सीवरेज का जी हमारा काम रह रहा है। पर इसके लिए मतलब कि ना जी, हमारे प्रधान जी हैं जो, वो प्रयास कर रहे हैं जी पूरा। अब अपने प्रधान जी कहाँ गए? सभी से मैं प्रश्न पूछूंगा कि किसी भी सरकार का एक काम होता है स्वास्थ्य और शिक्षा, वो आपके बच्चों को अच्छी मिल रही है कि नहीं, ये बता दिए एक एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में। सर हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बच्चों का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है, इसलिए मैं चाहूंगा आप दिल की बात करें, किसी अंडर प्रेशर होकर ना कीजिए, चाहे हाँ तो हाँ ना तो सबसे पूछूंगा। हाँ जी बिल्कुल है जी, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है जी, उधर देखकर बोलिए। हाँ जी ठीक, हाँ जी हाँ, आओ जी आप। हाँ जी बिल्कुल मिल रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हाँ जी हाँ जी मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, ओके बिल्कुल। तो आज हम यहाँ पर थे बुडनपुर में अर्थ प्रकाश की चुनावी चौपाल में, तो आप सबने देखा होगा कि यहाँ के लोगों ने किस तरह से बेबाक होकर अर्थ प्रकाश के प्लेटफार्म पर अपनी बातें रखी, और हमने बड़ी कोशिश की उल्टे सवाल करके भी, नेगेटिव सवाल करके इनके एक दिल की बात हम निकालने के अंदर से क्या है, लेकिन जब हमने देखा कि ये वाकई सब दिल से बोल रहे थे, तो ये एक क्षेत्र है हरियाणा का, लोकसभा क्षेत्र अंबाला। हाँ एक बात पूछूंगा आपसे मैं, एक बात रहेगी, ये प्रधान जी चले गए, कि जो राम मंदिर का मुद्दा था, सेंटर का मुद्दा था, और स्टेट के मुद्दे हैं, वो इस इलेक्शन में सेंटर के मुद्दे किस हद तक काम करेंगे? कुछ होगा असर होगा उनका? नहीं अभी तो कोई नहीं, ऐसा जी असर तो पड़ता ही है, जो बंदा जिसकी प्रति जो बात होती है उसकी तरफ जाता है, पड़ेगा असर पड़ेगा सेंटर का जी, पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। हाँ तो मेरे साथ आज इस गांव की अर्थ प्रकाश चुनावी चौपाल में आपने देखा कि यहाँ पर सभी लोगों ने दिल से बात की है। मैं अपने कैमरामैन रिकेश जी के साथ डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा।